नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। दशहरा समिति के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल विधायक के नेतृत्व में अपार जन समुदाय के बीच सिविल क्लब मैदान में रावण के 30 फुट के पुतले का दहन किया गया। प्राचीन श्री राम मंदिर से निकली शोभा यात्रा में भव्य बैंड बाजों के अलावा उड़ने वाले हनुमान जी, पुष्प वर्षा सहित अनेक आकर्षण रहे। मैदान में ऐतिहासिक आतिशबाजी का प्रदर्शन हुआ। अपार समुदाय को संबोधित करते हुए गुड्डा भैया ने कहा कि माता रानी की शक्ति व श्री राम प्रभु के सत्य व धर्म के मार्ग पर चलने से संघर्ष के बाद हर हाल में जीत मिलती है। स्वयं उन्होंने महसूस किया कि जब भोपाल ने उनकी टिकट काट दी तो जनता ने टिकट देकर विधायक बनाकर मंत्री भी बनाया। ये माता रानी की आराधना का ही आशीर्वाद है। समिति सचिव संजय सिंह कछवाहा ने ऐतिहासिक सफलता के पीछे सभी नगरवासियों के सहयोग की बात कही। आज माता रानी का चमत्कार ही मान सकते हैं कि शोभा यात्रा के समय अचानक बादल काले हो गए और पानी की तेज बूंदें आने लगी, पर आयोजन समिति के निवेदन के बाद चंद मिनट में ही मौसम फिर से साफ हो गया और नगर का सबसे बड़ा आयोजन ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न हुआ। भारत सिवनी से सुधीर शर्मा के साथ अनुज माहुले की रिपोर्ट। और पूरे जिले के लोगों को एकता के सूत्र बांधने का काम हमारी अलग अलग समितियों ने किया था। मैं सभी समितियों के अध्यक्षों को, सभी महानिंद साथियों को, हमारी महिलाओं को, जिन्होंने गरबे के माध्यम से 9 दिन लगातार माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से हमारा दशहरा, हमारा नवरात्रि पर एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। पूरे जिले में वाराणसी की दशहरा नवरात्रि की चर्चा होती है। आज दशहरा खल्लानी में भी शुरू किया गया और धूमधाम के साथ खल्लानी में दशहरा मनाया जाता है। साथियों, इस अवसर पर मैं भगवान श्रीराम के चरणों में नमन करते हुए आप सबको माता रानी के 9 स्वरूप की 9 शक्तियां आप सभी को प्राप्त हो, मैं इसी कामना करता हूं। ये 9 शक्तियां कौन सी 9 शक्तियां थी और जो 9 शक्ति की बात मैं कर रहा हूं ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। नहीं हो रहा होगा, मैं सबसे पहले आप लोग को बताइए इस बात को। 5 तारीख को हम लोग ने जब राम मंदिर में बैठक किया था आदरणीय राजू भैया और हमारे राम मंदिर जट के सभी पदस्थ लोग हैं, तो काफी मन में हमारे कंफ्यूजन था कि कैसी शासन की गाइडलाइन है और कैसा दशहरा मनाएंगे। बुड्ढा भैया काफी चिंता में थे, हम लोग लगातार बात कर रहे थे, लेकिन आप लोग का प्यार और विश्वास जो हमारी दशहरा आयोजन समिति पे और बुड्ढा भैया पे था और माता रानी का हमसे जो आशीर्वाद था, उसके बाद मुझे लगता है कि आज इतनी परिस्थिति में इतना अच्छा दशहरा पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हुआ होगा और इसके लिए सबसे ज्यादा कोई बधाई के पात्र है तो हमारी क्षेत्र की जनता है। बिना किसी प्रचार प्रसार के कोई गाड़ी नहीं घूमी, किसी को बुलाया नहीं गया और उसके बाद जो ऐतिहासिक आज जुलूस निकला है, तो ये मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश और पूरे देश में जो वाराणसी की जनता को अपने निर्णयों के लिए और अपने जो आचरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, आज का दशहरा उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर भारत न्यूज, सच्चाई का दर्पण।